फ्रेंड्स आई एम कमिंग टू मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर्किल द नंबर इन विच, मतलब हमें सर्किल करना है नंबर्स पर। पहला पार्ट देखिए, ए पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300। ओके, तो बताइए इसमें से प्लेस वैल्यू नंबर्स में 300 किसकी होगी। इसका नंबर दिया हुआ 2345, यह नंबर दिया हुआ दूसरा 3846, तीसरा नंबर दिया हुआ 1532, फोर्थ नंबर देगा 8113। तो किसकी होगी स्टूडेंट्स प्ले वैल्यू, फर्स्ट वाले की, क्योंकि इसमें 300 आया, ध्यान दीजिए। ओके, ये देखिए आ रहा है ना 345, तो हमें प्ले वैल्यू 3 इज 300 होती है, तो ये पहला वाला आएगा इसका। ठीक है, बी पार्ट देखिए, द प्ले वैल्यू ऑफ 4 इज 40। अब बताइए 40 प्ले वैल्यू किसकी आ रही है। देखिए पहला दिया हुआ 1432, दूसरा दिया हुआ 4138, तीसरा दिया हुआ 1342, फोर्थ दिया हुआ 5674। तो किसकी आई प्लेस वैल्यू, थर्ड वाले की, क्योंकि फोर के बाद क्या आ रहा है 18, तो प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 40। ओके समझ में आए, आ ध्यान दीजिए सी पार्ट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600। तो बताइए अब 600 प्लेस वैल्यू किसकी आ रही है, 3362, दूसरा पार्ट देखिए 2396, 5613, 6123, किसकी आ रही है स्टूडेंट्स, तीसरे वाले की 600। ओके देखिए 6 के बाद 2 डी है ना, तो 2 जीरो आएंगे तो 600 हो जाएगा ना। आज ध्यान दीजिए स्टूडेंट डी पार्ट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज द स्मॉलेस्ट। अब बताइए सबसे छोटा नंबर 8 इज द स्मॉलेस्ट किसमें, 8135, 4038, 5862, 2783 किसमें, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में 4038, इट मीन द आया ना इसमें स्मॉल स्मॉलेस्ट। ओके आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एज डेट एज शोन, 1 हैज बीन डन फॉर यू। ध्यान दीजिए पहला पार्ट देखिए, देखिए 5696, इनकी आपको प्लेस वैल्यू बताई गई है। देखिए 6 की क्या होगी स्टूडेंट, 6 होगी। ओके 9 की क्या होगी, 90 होगी। 6 की क्या होगी, 600 होगी, क्योंकि देखिए कौन सी प्लेस पर आया, 100 की प्लेस पर आया, 1 10 100, तो क्या होगी 600 होगी। फिर 5 की क्या होगी, 5000 होगी, क्योंकि 5 कौन सी प्लेस उस पर आया, 1 10 100 1000 उस पर आया, तो क्या होगी 5000। अब बी पार्ट देखिए, 4 की क्या होगी स्टूडेंट्स, 4 क्या होगी, 4 की 4। अब 2 की क्या होगी, 20, 2 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, टेंस की प्लेस पर आ रहा है, ये 1 10, तो क्या होगी 20। फिर 2 की क्या होगी, 200 होगी, कौन सी प्लेस पर है, ये 100 की प्लेस पर, 1 10 100। ओके अब 4 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, क्या होगी 4000। ओके समझ में आया, अब सी पार्ट देखिए, अब बताइए 6 की क्या होगी, 6, 3 के क्या होगी 30, 0 की तो स्टूडेंट 0 ही होगी। ओके 7 क्या होगी, 7000, क्या होगी 7000। आ ध्यान दीजिए डी पार्ट देखिए, यहाँ 6 की क्या होगी, 6, 5 की क्या होगी, 50, क्योंकि 5 के बाद 100 आ रहा है ना 50। 3 की क्या होगी, 300, कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है। 8 की क्या होगी, 8000। ओके आ ध्यान दीजिए ई पार्ट देखिए, 6 क्या होगी, 6, 5 की क्या होगी, 50 होगी, 0, 9 क्या होगी, 9000। ओके आ ध्यान दीजिए एफ पार्ट देखिए, इसका 9 की क्या होगी स्टूडेंट्स, 9, फिर 9 की क्या होगी, 90, फिर 9 की क्या होगी, 900। ओके 9 की क्या होगी, 9000, समझ में आए। आ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट्स इन ईच नंबर्स। देखिए ए पार्ट देखिए, नंबर दिया हुआ है 1346, तो 3 पर सर्किल है यहाँ पर नंबर पर, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 300, क्या होगी
ओके। अब जिस नंबर पर साइकिल होता है वो क्या कहलाती है, फेस वैल्यू, क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। ओके अब ध्यान दीजिए सी बी पार्ट देखिए, सॉरी स्टूडेंट बी पार्ट देखिए, सर्किल किस पे है, सिक्स पर, जिस नंबर पर साइकिल है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सिक्सटी, क्या होगी, सिक्सटी, क्योंकि सिक्स के बाद एक डे बचा है ना, और फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, सिक्स। ओके अब सी पार्ट देखिए, इसका साइकिल किस पर है, टू पर, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, टू ही होगी, क्योंकि टू का कोई डेट नहीं है, लास्ट में फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू भी टू ही होगी इसकी। अब डी पार्ट देखिए, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू जीरो, क्या होगी, जीरो, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जीरो। ओके अब इसका ई पार्ट देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 9000, नाइन के बाद कितने डेट है, वन टू थ्री, तो क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 9000। ओके फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, थ्री, सॉरी स्टूडेंट्स फेस वैल्यू क्या होगी, नाइन, क्या होगी, नाइन, समझ में आया। आज ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, देखिए आपको करने हैं, फिल करने हैं। ए पार्ट दिया हुआ है 8056, तो आपको देखिए अलग अलग दिए हूँ, जैसे कि 1000 में क्या लिखेंगे हम, एट, ओके, और 100 में क्या आ रहा है, जीरो, टेंस में क्या आ रहा है, फाइव, वंस में क्या आ रहा है, सिक्स। वैसे बी पार्ट देखिए, 1000 में क्या लिखेंगे हम, टू, क्योंकि 2000, 100 में क्या लिखेंगे, थ्री, क्या लिखेंगे, थ्री, 300, और टेंस में क्या लिखेंगे हम, फोर, क्या लिखेंगे, फोर, और वंस में क्या लिखेंगे, वन, क्या लिखेंगे, वन। ओके आज ध्यान दीजिए इसका सी पार्ट देखिए, अब बताइए 1000 में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फाइव, क्या लिखेंगे, फाइव, और यहाँ क्या लिखेंगे हंड्रेड्स में, बताइए जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो। अब टेंथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टेंथ में लिखेंगे नाइन, क्योंकि नाइन टेंथ की फॉर्म प्लेस पे है ना, नाइन। अब वन में क्या लिखेंगे, टू। ओके अब डी पार्ट देखिए इसका, 1000 में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सिक्स, ओके, और 100 में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एट। ओके अब टेंस में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, नाइन, फिर वंस में क्या लिखेंगे, वंस में क्या रहा है, सिक्स, वंस में सिक्स। ओके अब ई पार्ट देखिए इसका, क्या नंबर दिया हुआ, 7343, तो 1000 में क्या आएगा, सेवन, 100 में क्या आएगा, थ्री, ओके, टेंस में क्या आएगा, फोर, और वंस में क्या आएगा, थ्री, समझ में आए। वैसे सेम क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का पता नहीं है इसमें, ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए दिया हुआ है नंबर्स 1545, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी इसकी, वन के बाद वन पहला वन लेंगे हम, कितने डेट आ रहे हैं आगे देखिए, तीन डेट आ रहे हैं, क्या होगी इसकी, 1000, क्या होगी, 1000, क्योंकि वन क्या आ गया, थ्री डेट थ्री ले जाते हैं, फिर क्या लेंगे हम, फाइव, क्या लेंगे, फाइव, कितने जीरो आएंगे आगे, दो जीरो, 100 के पहले, फिर फोर्थ बाद कितने नंबर गया, तो क्या जीरो लगाएंगे, 40, फिर फाइव। ओके अब बी पार्ट देखिए इसका, प्लेस वैल्यू इसकी देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए, नंबर दिया हुआ 2005, तो 2000 इसके जीरो ही लिखेंगे हम, और ये भी जीरो होगी, टेंस भी, और वंस क्या होगी, फाइव। ओके सी पार्ट देखिए इसका, नंबर दिया हुआ 6459, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, 6000, क्या लिखेंगे, 6000, ठीक है, फिर 400, ओके, फिर 50, वंस क्या आएगी, 9। ओके अब देखिए सर डी पार्ट देखिए, 7021, तो 7 का कितने डेट है, तीन डेट है, तीन तो लगाते लगेंगे, कितना होगा, 7000। ओके फिर 100 प्लेस पर क्या है, जीरो है, 10 की प्लेस पर क्या है, टू है, तो क्या हो जाएगा, 20, और वन की प्लेस पर क्या है, वन। ओके ई पार्ट देखिए इसका, कितना दे हुआ, 9187, तो देखिए
9 लिखेंगे, फिर 3 रीड आएंगे क्योंकि 3 रीड है, कितना 9000 हो गया। अब लेंगे 1, क्या लेंगे 1, अब 1 के बाद कितने रीड है देखिए स्टूडेंट्स, 1 2, तो कितना हो जाता है 100। ओके फिर हम देखिए क्या लेंगे, लेंगे 8 लेंगे, अब 8 क्या कितने रीड है 1, तो क्या 80 हो गया, क्या हो गया 80। फिर क्या लेंगे 1 से फिर क्या लेंगे 7। ओके अब आगे ध्यान दी क्वेश्चन नंबर 6, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स। अब आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना देखिए, पहला पार्ट देखिए 2000 प्लस 700 प्लस 810 प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो जीरो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे इसको हम नंबर्स में 2781। ओके ये हो गए शॉर्ट फॉर्म में। अब बी पार्ट देखिए इसका 3000 प्लस 700 प्लस 410 प्लस 21, तो ये कैसे लिखेंगे हम 3742। ओके आज हम इसी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ 5000 प्लस 600 प्लस 010 प्लस 81, तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम 5608। ओके अब डी पार्ट देखिए इसका दिया हुआ 8000 प्लस 300 प्लस 710 प्लस 01, तो कैसे लिखेंगे इसको हम 8307। ओके समझ में आया कितना दिया हुआ 8307, ऐसे लिखते हैं। ओके अब देखिए ई पार्ट देखिए इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ओपन लीड, इसमें जीरो शो कर दिए गए, इसमें जीरो शो नहीं कर रहे थे, इसमें जीरो शो कर दिए गए, नंबर दिया हुआ 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 6, तो ये भी सेम ऐसे करेंगे 3426। ओके एफ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स का एफ पार्ट देखिए, नंबर दिया हुआ 5000 प्लस 200 प्लस 6, तो कैसे लिखेंगे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम 5206। ओके अब देखिए इसका जी पार्ट देखिए क्या नंबर दिया हुआ है 6000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 6, तो इसमें क्या होएंगे जीरो रिमूव हो जाते हैं, बताया था आपको 6000 कर लेंगे 6666। ओके अब एच पार्ट देखिए इसका क्या नंबर दिया हुआ है 8000 प्लस 40 प्लस 3, तो कैसे लिखेंगे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम 8043। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो क्या नंबर हो गया 8043। ओके स्टूडेंट्स ये मैं कर दिया आपको आज एक्सरसाइज 1.3, इसको अच्छे से तैयार करें।